ऑनरेबल मेयर जम्मू भी मौजूद हैं श्री चंद्र मोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तकबाल। और गुजारिश करेंगे हम इस बंसोज के साथ भी इस ऑफिशियल प्रोग्राम को सर ओपन करें। के मेहता जी का हमारे ऑनरेबल मेयर श्रीनगर श्री जुनैद मटू पानी में इन्हें धोया जाता है तो साफ साल इसलिए बनती थी कि पानी यहाँ का चांदनी जैसा होता था। 100 साल के भीतर उस चांदनी जैसे पानी का क्या हुआ ये हम सब आज देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप सब लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं। नेचर नेवर फॉरगिव्स, ये वर्तमान पीढ़ी को याद रखने की जरूरत है। पिछले महीनों जब हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में क्या कामकाज हो रहा है इसकी हम सब चर्चा कर रहे थे तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ श्रीनगर को पॉलीथीन से मुक्त बनाना इसकी चर्चा हम सब ने की थी और मेयर श्रीनगर उनके साथी एसएमसी के कमिश्नर और उनके सभी सहयोगी प्रतिबंध लगा दिया है। ये मैं आभारी हूं इन लोगों का। प्लास्टिक पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट ये ऐसी समस्या है जो सिर्फ सरकारी आर्डर से दूर नहीं हो सकती बल्कि इसमें श्रीनगर और कश्मीर डिवीजन हो या जम्मू उसके नागरिकों की सहभागिता, बिना सक्रिय सहभागिता के मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। रोज मुझे भी कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, मिलते हैं लोग और कहते हैं साहब मोहल्ले में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कर्मचारियों ने साफ नहीं किया। मुझे लगता है कि हमको एक बात बराबर ध्यान रखनी चाहिए, सफलता हमें मिलेगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा श्रीनगर के हर व्यक्ति से, हर भाई से, हर बहन से, हर नौजवान से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से, नौजवानों से, पॉलीथीन फ्री श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू कश्मीर तभी होगा जब आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। तभी मेयर साहब की, उनके साथियों की, कॉरपोरेटर्स की, डिप्टी मेयर की, कमिश्नर साहब की, उनके पूरे सहयोगियों की मेहनत रंग ला सकती है। एक एक व्यक्ति से ही कारवां बनता है और हर एक नागरिक के अंदर बदलाव से ही हम अच्छी स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अनेक काम हो रहे हैं लेकिन अगर एक आदर्श स्मार्ट सिटी हमें बनाना है तो उसमें नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि सारी दुनिया के बदल जाने का सिकवा कैसा, तुम बदल जाओ तो दिन रात बदल जाते हैं। ये खुद को